तो आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा AK2 की इंफॉर्मेशन। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे AK2 के एडमिट कार्ड दोस्तों आ गए हैं और यहाँ पे डाउनलोड होने लगे हैं दोस्तों। और एडमिट कार्ड कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को जानने के लिए अपने गूगल पे आ जाना है। सो दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट आप लोगों को डाल लेना है, AKTU.ac, ये आप लोगों को वेबसाइट डालना है .in। तो ये वेबसाइट जब आप लोगों को डालोगे दोस्तों, सो आप लोगों को यहाँ पे जो है इस पे क्लिक कर देना है सर्च पे दोस्तों। तो यहाँ पे ये सर्च पे दोस्तों क्लिक कर लेना है आप लोगों को। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को होम दिखाई देगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे होम, फिर डाउनलोड, फिर टेंडर्स, उसके बाद सर्कुलर। तो दोस्तों सर्कुलर्स में आ जाना है आप लोगों को और यहाँ पे दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन न्यू होती है AK2 की वो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आ जाती है। तो यहाँ पे ये 31 तारीख की इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड फॉर इवन सेमेस्टर 2019-20। सो यहाँ पे देखें पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जब आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे जो है आपकी इंफॉर्मेशन दिखा देगी। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है मेरा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दोस्तों है ये 31 अगस्त की है दोस्तों। कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष के सम सेमेस्टर के रेगुलर एवं कैरी ओवर तथा एमटेक, एम फार्मा एवं MR के द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं दिनांक 8 सितंबर 2020 से प्रस्तावित हैं। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार छात्र छात्राओं की सूची वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन हेतु संस्थान के कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आपके संस्थान के कॉलेज लॉगिन के माध्यम से सभी आर्य छात्र छात्राओं की सूची को वेरीफाई करने का कष्ट करें। संस्थान द्वारा सूची वेरीफाई करते ही छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र उनके लॉगिन में स्वतः ही उपलब्ध हो जाएंगे तथा छात्र अपने लॉगिन के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त में अवगत होते हुए अपने संस्थान के छात्र छात्राओं को सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है वो आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट है अंतिम वर्ष के हैं, जिनके पेपर रेगुलर और कैरी ओवर और एमटेक, एम फार्मा, एमआर के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, तो उनकी परीक्षाएं 8 सितंबर को होंगी। और यहाँ पे जो है छात्र छात्राओं जो प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं वो आप लोगों की विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसलिंग के निर्णय के अनुसार छात्रों की सूची आपके संस्थान में भेज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थान जो है वेरीफाई कर लेगा, अगर जो आप लोगों का वेरीफाई ना हो तो संस्थान में अपने जाइए, आप कहिए कि मेरा वेरीफाई कर लीजिए जो सूची आई है। वेरीफाई करने के बाद संस्थान और छात्रों को यहाँ पे उनके पत्र स्वतः ही उनके लॉगिन में दिखाई देंगे। जब भी आप लोग ERP लॉगिन करोगे तो उसमें एडमिट कार्ड आ जाएंगे स्वतः ही, जब यहाँ पे आपका स्टूडेंट वेरीफाई कर लेगा जो भी सूची आई है AK2 की तरफ से। सो आप लोगों के एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड होने लगेंगे। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों आज की है, ये सो आप लोगों को नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आप लोगों को एडमिट कार्ड के लेकर।
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ चुका, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।